ये शंकर जी के मूर्ति का ये उठाई है, कहा हमार धन नाश, हमार पुत्र नाश, हमार पितृ नाश, मालिक जवन कहवत और तरफ हम जीताए। अब कहा गए जीता जिन्हों ने, अब कहा लड़का वो आपको लाने को भाई को जता था पुराने तो ऐसे ये के हमार समाज हो गए, यही से तो जा रहा है, कब हम करोगे, क्यों नहीं होगा, प्रधान बताओ प्रमुख हुआ हमारे बता दे, मैं लड़ने का नजीर देता हूँ, आज से जब से कागे का मोर बना हुआ, मैं 40-45 साल का बात आज कर रहा हूँ, और मैं 40-45 के प्रधान हूँ और आज तक हूँ, किसी को होने नहीं दिया, ये जब से मैंने राजनीति शुरू किया हूँ, सिद्धांत से समझौता नहीं किया, आज तक मुझे क्यों नहीं जगे, बहुत हुआ मेरे आंदोलन के दबाने के लिए, हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, पर प्रमुखी चुनाव चल रहा है, मैं लड़ गया, अब अपनी पत्नी को लड़ा, एक वोट से हमके महारा दिए, हमने कहा उस समय का गुस्सा था, आज का नहीं तो बात बता रहे, गुस्सा था हरा दिया हमको, अंत में साथ साथ पाही के राजा सब जूता से पिटाने, लाठी झंडा इतना हुआ, पुलिस से आ गई, और पुलिस के बचाव में 12 सिपाही 3 दरोगा एक सीओ की पिटाई हो गई, अंत में पुलिस को 100-150 भाई गोली चलाना पड़ा, तब मामला शांत हुआ, 42 गवाह रखे गए बरामद ठाकुर ने, पुलिस वालों ने गवाह रखा, और मैंने कह दिया कि अगर गवाह ले लिया, अगर गवाही दे दिया तो खैरियत नहीं होगा, हम तो देश से जा ही रहे हैं, लेकिन ये पूरा जितना पक्का बना है सब डायनामाइट लगा के बयान कर देंगे, बता दे हिम्मत नहीं बड़ी किसी की कि कोई मेरे खिलाफ गवाही दे दे, तो मैं आज इस संघर्ष में पूरा अभी देख रहे, अबकी बार आया बला कर्म प्रधान को है, बला कर्म की सुरक्षित आया, मैंने सबको बुला लिया, ठाकुर बाबन सबको बुला, चुनाव और नहीं चुनाव लड़के करोगे तो खैरियत नहीं है, हिम्मत नहीं पड़ी, चाहे प्रेम से चाहे भय से, और हमको निर्विरोध बला कर्म चुना गया, हमने निर्विरोध हम बला कर्म को, किसी भी धर्म या जाति विशेष के प्रति अमर्यादित भाषा का उपयोग करना मेरी पार्टी अपना दल के संस्कारों का हिस्सा नहीं है। अपना दल अपने गठन के समय से ही वंचित, शोषित और दबे कुचले वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष करती आई है। एक वायरल वीडियो मेरे संज्ञान में आया है जिसमें उपयुक्त की गई भाषा अत्यंत अमर्यादित है और मेरी पार्टी उसकी घोर निंदा करती है, और हमारा मानना है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी जाति या धर्म विशेष के प्रति अब शब्दों का या अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी पार्टी के माननीय सांसद जी को निर्देशित कर दिया है कि वे अपने अनुपयुक्त और अमर्यादित भाषा के लिए तत्काल क्षमा प्रार्थना करें।